हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल डिसिडेंट। अगर आपको पूछा जाए जो आप किसी एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल पे अगर इंटरनेट को शेयर कैसे करते हैं, तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा लोग बोलेगे जो हॉटस्पॉट से हम लोग शेयर करते हैं। लेकिन आज आप लोगों को एक सीक्रेट ट्रिक्स बताऊंगी जो कैसे करके अपना मोबाइल से ब्लूटूथ से भी आप किसी भी मोबाइल पर इंटरनेट को शेयर कर सकता है। और इसके लिए आपको ना किसी सॉफ्टवेयर चाहे ना किसी थर्ड पार्टी ऐप का जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो का साउंड थोड़ा सा खराब हो सकती है, इसके लिए हमको माफ कर देने का। दोस्तों, हम आपको मेरा मोबाइल का स्क्रीन पर लेके जाके आपको स्टेप बाय स्टेप हम दिखाऊंगी। तो उसका पहले हम एक बार बोल देता हूँ दोस्तों, अगर इस वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो जोर से जरूर एक लाइक कर दीजिए। मेरा चैनल पर अगर आप नया वीडियो देख रहे हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और साइट पर आने वाला बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो मिलती है मेन वीडियो पर। वेलकम बैक दोस्तों, हम आ चुका है हमारा दोनों मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों मोबाइल स्क्रीन यहाँ पर आ चुका है। ये मेरा मोबाइल है और ये मेरा फ्रेंड का मोबाइल है। एक्चुअली दोनों ही मेरा मोबाइल है, लेकिन यहाँ पर नीचे पर देख सकते हैं हम इसको हमारा मोबाइल कर दिया और इसको मेरा फ्रेंड का मोबाइल कर दिया, क्योंकि हमारा मोबाइल से हमारा फ्रेंड को हम इंटरनेट शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगी, मान लीजिए आप ब्लूटूथ से इंटरनेट शेयर करना चाहती है तो आपका मोबाइल पर, जैसे कि हमारा मोबाइल जो है इस पर, क्योंकि हमारा मोबाइल से हम फ्रेंड को शेयर करने वाला हूँ, देख सकता है जो यहाँ पर इंटरनेट का जो डाटा है, मोबाइल डाटा है, इसको जोर से जरूर ऑन होना चाहिए। मोबाइल का जो नेट बैलेंस है ये भी रहना चाहिए। मेरा जो फ्रेंड है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वाईफाई भी ऑफ है और मोबाइल डाटा भी ऑफ है। ओके दोस्तों, अगर मेरा फ्रेंड का मोबाइल पर अगर हम क्रोम ब्राउजर को यहाँ पर ओपन करती है तो देख सकते हैं, अगर मैंने यूट्यूब ओपन किया नहीं तो फेसबुक ओपन किया तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑफलाइन दिखाई दे रहा है। अगर हम यूट्यूब को भी अगर ओपन करती है तो ये भी यहाँ पर ऑफलाइन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह नेट कनेक्शन नहीं है। ओके दोस्तों, अभी चला जाती है हमारा मोबाइल पर, देख सकते हैं यहाँ पर हॉटस्पॉट भी यहाँ पर ऑफ है। ओके दोस्तों, हॉटस्पॉट हम कनेक्ट नहीं किया। फ्रेंड का मोबाइल पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई एंड मोबाइल डाटा भी ऑफ है। अभी हमारा मोबाइल से हमारा फ्रेंड पर अभी शेयर करने वाला हूँ। सिंपल सा सेटिंग पर चला जाऊंगा। सेटिंग पर जाने के बाद कनेक्टिंग एंड शेयर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, करने के बाद आपको ब्लूटूथ टियरिंग नाम का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यह अभी ऑफ है, इसको ऑन करना पड़ेगी। तो सिंपल से इसको अभी हम ऑन कर देती है। ऑन कर देने के बाद आपको यहाँ से बैक लेना है, फ्रेंड का मोबाइल जो ब्लूटूथ है इसको भी ऑन करना पड़ेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा फ्रेंड का मोबाइल का जो ब्लूटूथ है ऑन हो चुका है, यहाँ पर जो ब्लूटूथ का जो नाम है यहाँ पर आ चुका है, लेकिन इसको कैंसिल कर देती है अभी। तो अभी हमारा मोबाइल पर ब्लूटूथ पर क्लिक कर दिया। क्लिक कर देने के बाद चाहे आपका फ्रेंड का जो डिवाइस का नाम है जिसको आप शेयर करना चाहती है उस डिवाइस का नाम यहाँ पर शो करेगी। यहाँ पर दिखाई नहीं दिया तो सिंपल सा रिप्रेस का बटन मिलेगी, नहीं तो सर्च का बटन मिलेगी, तो वहाँ पर क्लिक करके आपको सर्च कर लीजिए। आपका फ्रेंड का मोबाइल का डिवाइस का नाम जब दिखाई देगी यहाँ पर तो सिंपल सा उस नाम पर क्लिक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्टिंग हो चुका है यहाँ पर, और आपका फ्रेंड का मोबाइल पर भी आपको ब्लूटूथ पर जाना है। सिंपल सा हमारा फ्रेंड का मोबाइल को हम मिनिमाइज करके ब्लूटूथ पर चला जाती है। ब्लूटूथ पर जाने के बाद यहाँ पर आपका डिवाइस का नाम यहाँ पर दिखाई देगी, जैसे कि हमारा नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो सिंपल सा उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने पर कनेक्टिंग बोल के एक लिखा आएगी और यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्टिंग टू एक्सिस इंटरनेट कनेक्टिंग, मतलब यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिंग हो चुका है। ओके दोस्तों, हमारा जो मोबाइल है इसको हम मिनिमाइज कर देती है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और अभी यहाँ पर क्रोम ब्राउजर पर लेके जाके आपको ब्राउजिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो सिंपल से यहाँ पर अभी भी ऑफलाइन दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी रिफ्रेश नहीं किया हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वाईफाई एंड मोबाइल डाटा यहाँ पर ऑफ है, इसको अभी ऑन नहीं है, आप देख सकते हैं। तो सिंपल सा हम इसको रिप्रेस कर देती है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा YouTube यहाँ पर चालू हो चुका है, लेकिन YouTube का चालू हम नहीं करके दिखा सकते हैं, क्योंकि YouTube का एक रूल्स है जो कॉपीराइट पकड़ लेगी। तो सिंपल सा हम आपको ब्राउजिंग करके दिखाऊंगी गूगल पर। हम न्यू टैब लिया एंड गूगल पर चला गया। गूगल पर जाने के बाद आप यहाँ पर अगर कुछ लिख के अगर सर्च करती है, मान लीजिए हमारा चैनल का नाम यहाँ पर आ चुका है तो इसको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो जो ये ब्राउजिंग आसानी से ब्राउजिंग कर रहा है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस टिप्स को फॉलो करके आप किसी भी फ्रेंड का साथ चाहे किसी भी मोबाइल का साथ आप इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी भी तरह प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके दोस्तों, हम उम्मीद करती है जो आपको इस वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ भी चुका है जो कैसे करके अपना मोबाइल से दूसरा किसी भी मोबाइल पर ब्लूटूथ से इंटरनेट शेयर कर सकता है। तो हम जाने का पहले एक छोटा सा बात बोल दे रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर मेरा चैनल पर आप अगर नया वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो का नीचे पर जाइए और रेड कलर बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और साइट पर आने वाला बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम हमेशा मोबाइल टिप्स, कंप्यूटर टिप्स एंड ऑनलाइन का जुड़ी हुई हर सारे वीडियो हम लेके आते रहता हूँ। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।